ये दर्शाता है कि विपक्ष कितना मुद्दाहीन है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी बेल पर ही है, 2 तारीख को इनको वापस सरेंडर करना है, इनसे सवाल किए जाते हैं। और आज जब चुनावी रण क्षेत्र में है, क्या उनके पास अपने क्षेत्र से जुड़े विषय नहीं है? और विपक्ष अब ये मान चुका है कि उनकी हार समीप है। जितना समय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को दिया है, ये बिहार और बिहारियों के लिए, हम लोग ले घर के। आज मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है पटना में, कैसे देख रहे हैं? रोड शो के पहले अब जब ये समय जनता के बीच जाने का है तो ये लोग अभी भी बैठक ही कर रहे हैं। एक तो कांग्रेस के बड़े नेताओं में से, ठीक है भाई, मतलब खड़गे साहब आए, उनके प्रति हम सबके मन में सम्मान है, बट इनके जो और बड़े नेता हैं उनमें से तो किसी ने बिहार आना ज़रूरी नहीं समझा। एक बार बस अगर मुझे याद है तो शायद राहुल जी एक बार आकर गए, उसके बाद से तो किसी चरण में ये लोग आए नहीं। और आज कोई समय नहीं है ना बैठक करने का, ये समय है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार में लोग जाएँ, बैठक हुआ लोगों से मिलें, उनके भी जाकर अपनी बातों को रखें। कहीं ना कहीं विपक्ष भी अब थक चुका है और विपक्ष अब ये मान चुका है कि उनकी हार समीप है, और ये थकावट अब से बैठक करना, बड़े नेताओं का बिहार नहीं आना, बिहार में इन लोगों को अपनी हार साफ दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री का भी रोड शो होने वाला है पटना में कल आने वाले। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, और ये वही बात है, प्रधानमंत्री जी का प्यार मेरे प्रदेश के प्रति देखिए, रोड शो हो, हर चरण में आकर सभाएं करना हो। जितना समय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को दिया है, ये बिहार और बिहारियों के लिए, हम लोग ले गर्व की बात है कि देश के प्रधानमंत्री इतना समय दे रहे हैं। भाई परसों हमारे यहाँ भी है, हाजीपुर में प्रधानमंत्री जी सुबह सुबह ही आ रहे हैं, तो ऐसे में कल हम वहाँ की तैयारियों में जमानत मिली है, हाँ नहीं, और अग्रिम जमानत ही मिली है, ये मतलब अभी बेल पर ही है, 2 तारीख को इनको वापस सरेंडर करना है, ठीक है, ये कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। बहरहाल दलील स्ट्रॉन्ग दी गई थी कि अगर इसी को अगर आधार बनाकर जिस तरीके से उनको बेल दी गई है, बहरहाल बस वो तमाम रिस्ट्रिक्शंस का ध्यान रखिए जो जो उनको निर्देश दिए। पुलवामा को लेकर के रेवंत रेड्डी ने एक बार फिर से सवाल उठाया है, कहा है कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। ये लोग जितने प्रश्न सेना के ऊपर खड़ा करते हैं, अगर इतने इसका 10% भी सेना का मनोबल बढ़ाने की दिशा में लोग काम करें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जात पात, जो कि क्षेत्रवाद, दलगत राजनीति से उठकर होनी ज़रूरी है। ऐसे में जब ऐसे सवाल किए जाते हैं, और आज जब चुनावी रण क्षेत्र में है, क्या उनके पास अपने क्षेत्र से जुड़े विषय नहीं है, अपने राज्य से जुड़े विषय नहीं है, ऐसे मुद्दे नहीं है जिसके ऊपर सही में ये हमारी सरकार को घेरने का काम करे? जब ये लोग ऐसे मुद्दों को उठाते हैं या बनाने का प्रयास करते हैं, ये दर्शाता है कि विपक्ष कितना मुद्दाहीन है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है हम लोग की सरकार को घेरने का।